विज्ञान एक ऐसा विषय जिसका शुरुआत प्राचीन काल से शुरू हुआ था। हमारे इस दुनिया को विज्ञान जैसा अमूल्य तोहफा कोई एक व्यक्ति ने नहीं दिया। विज्ञान का इतिहास हमारे इतिहास को भी देखाता है। अगर हम बात करें विज्ञान का महानायकों को तो हमारे मन में अक्सर गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, हॉकिंग आदि नाम आता है। पर कई सारे नाम ऐसे हैं जिसने विज्ञान के लिए अपनी जान तक दे दी, पर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कोपरनिकस के बाद और गैलीलियो से पहले एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने कोपरनिकस से भी आगे चले गए। क्यों इस व्यक्ति को अपने ही देश से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद जिंदा जलाया जाता है? आज हम जानेंगे जोर्डानो ब्रूनो के बारे में। ब्रूनो का जन्म 1548 नोला नेपल्स के पास इटली में हुआ था। ब्रूनो एक खगोलविद, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। ब्रूनो का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान का अनुमान लगाता है। ब्रूनो का पिता एक सैनिक था और ब्रूनो नेपल्स में रहते हुए अपने अध्ययन को पूरा किया और 24 वर्ष की उम्र तक ब्रूनो प्रिस्ट यानी कि एक पुजारी बन चुके थे। लगभग आज से 450 वर्ष अगाड़ी कैथोलिक चर्च के विपरीत कुछ भी बोलने पर आपको अधर्मी माना जाता है। उस समय चर्च ही कानून थे। उसी समय की बात है, उसी समय जियोसेंट्रिक मॉडल हुआ करता था। जियोसेंट्रिक मॉडल यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसमें दिखाया करता है कि हमारी ये पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है और सभी ग्रह, सूर्य, उपग्रह हमारा पृथ्वी को परिक्रमा करता है। पर ब्रूनो ने ऐसे भी पुस्तक पढ़ी हुई थी जिससे खास करके पढ़ने की मनाही थी। इसी दौरान ब्रूनो को सत्य के बारे में पता चला। ब्रूनो कोपरनिकस का सिद्धांत यानी कि हेलिसेंट्रिक मॉडल जिसमें सूर्य बीच में है और सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के ऊपर कामना करता है का प्रचार करने लगा। ब्रूनो एक धर्म प्रचारक बन गए। ब्रूनो शहर शहर जाके अपना भाषण देने लगे। ब्रूनो अपने भाषण में कहते हैं कि कोपरनिकस का दावा सच है, पर कोपरनिकस ने शुरुआत की थी। ब्रूनो कहते हैं कि हमारी ये दुनिया अनंत है, हमारी पृथ्वी जैसा और भी ग्रह है। जिन पदार्थ से हमारे सूर्य बना है उसी पदार्थ से तारे भी बना है। पर उस समय ब्रूनो का विश्वास किसी ने नहीं किया। ब्रूनो का लिखा हुआ पुस्तक जलाया जाता है। ब्रूनो को नास्तिक करार देते हुए उन्हें 8 वर्ष की कैद और उसके बाद जिंदा जलाया जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट जोर्डानो ब्रूनो। जोर्डानो ब्रूनो को मार्टियर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। 22 किलोमीटर लंबा इंपैक्ट क्रिएटर मून पर एक जगह का नाम जोर्डानो ब्रूनो को नाम पर रखा हुआ है। इसी तरह विज्ञानी के लाइफ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं।